समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि महागठबंधन समर्थन में जनता के उत्साह से भाजपा की भाषा बदल गई है। अखिलेश ने एक चुनावी जनसभा में कहा, महागठबंधन के ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में जनता का उत्साह देखकर भाजपा की भाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा ने जनता से झूठे वादे कर वोट ले लिया था, लेकिन केंद्र के 5 साल और राज्य की भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल का भाजपा के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। अखिलेश बोले, 2017 के विधानसभा चुनाव में हम जनता को समझाते रहे कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई है, लेकिन जनता को लगा कि उनके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा। जनता आज भी इंतजार कर रही है, जबकि काले धन के नाम पर देश का पैसा लेकर कई उद्योगपति हवाई जहाज से विदेश भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण चुनाव है, भाजपा के लोग देश को ना जाने किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में आतंकवाद रोकने के लिए कौन से फैसले लिए, इस पर चुप हैं। जनता को इस चुनाव में मुद्दे से नहीं हटना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।